Welcome to the another Duo Facts video. सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही अलग टाइप के सिंगर हैं, जिनके सॉन्ग्स को बहुत ही पसंद किया जाता है। आज सिद्धू सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी बहुत फेमस हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को ड्रेक भी फॉलो करते हैं। सिद्धू मूसेवाला आज बिना किसी हेल्प के इतने सक्सेसफुल हैं, बट लोगों को उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। आज हम आपको सिद्धू मूसेवाला के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज उसको एक कहानी सुनाऊंगे। मेरे बेबे की अरदास ने हार नहीं दिता, मेरे बापू दी आसीसा ने झुकन नहीं दिता। अज इन्हां सब दे करके सिद्धू ना कमा गया, पूरी दुनिया दे विच मूसेवाला करा गया। नंबर वन, सिद्धू का बर्थ 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एक विलेज मूसा में हुआ। इनके फादर का नेम भोला सिंह सिद्धू है और इनकी मदर का नेम चरण कौर सिद्धू है, जो कि मूसा गांव की सरपंच है। इनके एक ब्रदर गुरप्रीत सिद्धू भी हैं। नंबर टू, सिद्धू ने एक इंटरव्यू में अपने फादर के प्रोफेशन के बारे में बताया कि उनके फादर पहले आर्मी में थे, पर एक वॉर में इंजरी की वजह से इन्होंने आर्मी छोड़कर पुलिस फोर्स ज्वाइन की। नंबर थ्री, सिद्धू अपने पेरेंट्स के काफी क्लोज हैं। उन्होंने अपनी मदर के बर्थडे पर डियर मम्मा ट्रैक रिलीज किया। इसके अलावा इन्होंने बापू टाइटल से ट्रैक भी रिलीज किया है। नंबर फोर, सिद्धू अपने पेरेंट्स के कितने क्लोज हैं, इस बात का अंदाजा हम ये देखकर लगा सकते हैं कि सिद्धू के लाइव परफॉर्मेंस करते वक्त मोस्टली उनके फादर भी साथ दिखाई देते हैं। खुद सिद्धू अपने फादर के रिलेशन के बारे में कहते हैं कि उनके फादर उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वहीं सिद्धू अपनी मदर से भी काफी करीब है। जब उनकी मदर सरपंच के चुनाव के लिए खड़ी हुई, तब सिद्धू अपने सब काम छोड़कर उनके साथ चुनाव में जुट गए। नंबर फाइव, सिद्धू के बारे में बात काफी कम लोग जानते होंगे कि सिद्धू का स्टेज नेम सिद्धू मूसेवाला उनके विलेज मूसा की नेम से इंस्पायर है, जो कि पंजाब के मानसा में लोकेटेड है। नंबर सिक्स, सिद्धू ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। उनका स्टडी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि उनका परसेंटेज 70 से ऊपर वो कभी गए ही नहीं और ना ही 60 से नीचे कभी घटे। नंबर सेवन, 2015 में जब सिद्धू अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे थे, तभी एक पॉपुलर पंजाब लिरिसिस्ट के पास एक सॉन्ग के लिए गए। लेकिन तब लिरिसिस्ट ने सिद्धू को काफी चक्कर कटवाने और बाद में सॉन्ग देने से मना भी कर दिया। इस चीज को सिद्धू का बहुत बुरा लगा और तब से सिद्धू ने डिटरमाइन कर लिया कि वो अपने लिरिक्स खुद ही लिखेंगे। नंबर एट, सिद्धू ने 2016 में अपना करियर एज ए लिरिसिस्ट दीप जंडू और एली मंगट और करण औजला के साथ स्टार्ट किया। नंबर नाइन, अपनी ग्रेजुएशन के बाद सिद्धू ने कनाडा मूव आउट किया। वहां सिद्धू ने अपना फर्स्ट सॉन्ग जी वैगन रिलीज किया। ये सॉन्ग इनका फर्स्ट डेब्यूट सॉन्ग था, जो गुरलीज अख्तर के साथ ड्यूट सॉन्ग था और ये सॉन्ग काफी हिट भी रहा। नंबर टेन, सिद्धू मूसेवाला के रैप्स को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो उनके रैप्स एग्रेशन वाले होते हैं। इनके रैप्स नार्सिसिज्म क्रिटिक्स और कॉम्पिटिटर्स के लिए होते हैं। नंबर 11, 2017 में सिद्धू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, टैलेंट पेव्स द वे। इनके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पंजाबी के प्रोफेसर, जो कि पहले सेक्रेटरी ऑफ पंजाबी एकेडमी इन दिल्ली रह चुके हैं, का कहना है कि ही हैज डेफिनेटली कॉज्ड अ न्यू डिसरप्शन इन पंजाबी म्यूजिक मार्केट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। नंबर 12, सिद्धू टूपैक शाकूर को काफी एडमायर करते हैं। इतना ही नहीं, वो इनसे इतना इंस्पायर हुए हैं कि एक इंटरव्यू में सिद्धू ने खुद टूपैक शाकूर द अमेरिकन रैपर विद अ डायनामिक बट शॉर्ट करियर ऑफ 5 इयर्स को एडमायर किया। नंबर 13, सिद्धू जब 6th ग्रेड में थे तब इन्होंने हिप हॉप म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दिया। सिद्धू ने म्यूजिक स्किल लुधियाना में हरविंदर बिट्टू से सीखी है। नंबर 14, सिद्धू चन्नी बांका को अपना गॉडफादर मानते हैं, क्योंकि बांका ही थे जिन्होंने सिद्धू को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया। सिद्धू ने कनाडा में जो फेम एंड नेम अर्न किया, उसमें बांका का ही सपोर्ट रहा। नंबर 15, सिद्धू ने अपने करियर का स्टार्ट एक सॉन्ग लाइसेंस के लिरिक्स लिखकर किया। इस सॉन्ग को निंजा ने गाया। यह सॉन्ग वर्ल्ड वाइड हिट रहा। नंबर 16, 2018 में इन्होंने जस्ट लिसन सॉन्ग रिलीज किया। इन्होंने यह सॉन्ग स्पेशली अपने हेटर्स के लिए रिलीज किया था। नंबर 17, सिद्धू ने ब्राउन बॉयज के साथ कोलैबोरेट कर बहुत से ट्रैक्स भी किए, जो कि हम्बल म्यूजिक ने रिलीज किया। नंबर 18, सिद्धू मूसेवाला ने हॉलीवुड में भी अपने नेम को शाइन किया है। इंडिया में ही नहीं बल्कि और भी कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा में सिद्धू ने पॉपुलर सॉन्ग्स दिए। सिद्धू ने अमेरिकन रैपर के साथ AK-47 में सिंग किया, जो सॉन्ग काफी हिट हुआ। नंबर 19, ब्रिटिश की फेमस रैपर स्टेफलॉन डॉन ने सिद्धू के साथ सॉन्ग 47 में रैप किया। स्टेफलॉन डॉन ने सिद्धू को थैंक्स भी लिखा, क्योंकि सिद्धू ने उन्हें एक शो में इनवाइट किया था।
नंबर 20। इतना ही नहीं, सिद्धू का सिंगल 47 ट्रैक यूके सिंगल्स चार्ट पर रैंक हुआ और 2020 में द गार्डियन ने 50 न्यू आर्टिस्ट में सिद्धू का नेम भी दिया। नंबर 21। सिद्धू और करण औजला दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, पर बाद में दोनों के बीच कुछ डिस्प्यूट्स हुए, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को सॉन्ग्स, लाइव परफॉर्मेंसेस और सोशल मीडिया के जरिए टारगेट करते रहते हैं। नंबर 22। अरदाव मुटियारा का एक सॉन्ग जट्टी जियो ने मोर वर्गी को लेकर सिद्धू को कहा गया कि उन्होंने लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स को हर्ट किया है, जिसके लिए सिद्धू को सबसे माफी भी मांगनी पड़ी थी। नंबर 23। सिद्धू को अपनी सिंगिंग की जर्नी में बहुत सी परेशानियां देखनी पड़ी। सिद्धू ने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत से फ्रेंड्स बनाए, लेकिन ऑलमोस्ट सब ने इनके साथ चीटिंग की, पर अच्छी बात यह है कि इन सबसे वीक ना होकर सिद्धू ने अपनी सिंगिंग जारी रखी और आज सिद्धू मूसेवाले एक अनबीटेबल ब्रांड बन चुके हैं। यहां तक कि सिद्धू की अप्रोच ड्रेक जैसे हॉलीवुड रैपर्स तक भी है। नंबर 24। सिद्धू ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रेम ढिल्लों, नसीब, रंगरेज सिद्धू जैसे आर्टिस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया। नंबर 25। सिद्धू ने अपने सॉन्ग 2017 में सो हाई से काफी अटेंशन जीता। ये सॉन्ग बिग बर्ड के साथ एक गैंगस्टर कोलैबोरेशन था। इस सॉन्ग ने इन्हें 2017 में बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड और ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड भी जिताया। I've seen people come, I've seen people go. This guy is definitely here to stay. He's a bad boy lyricist, he's an amazing performer, and he is none other than Sidhu Moosewala. नंबर 26। सिद्धू ने ईसा जट, टोंचा, सेल्फ मेड फेमस एंड वार्निंग शॉट्स जैसे सिंगल से भी काफी सक्सेस हासिल की। 2018 में पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड्स में सिद्धू को बेस्ट न्यू एज सेंसेशन अवार्ड फॉर ईसा जट के लिए नॉमिनेट भी किया गया। नंबर 27। 2018 में उन्होंने अपने डेब्यूट एल्बम PVX1 रिलीज किया, जो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट में 66 पर रैंक हुआ। सिद्धू के 10 सॉन्ग्स यूके एशियन चार्ट में पीक पर था, जिसमें से दो चार्ट में टॉप पर थे। सिद्धू का बम्बिया बोले टॉप 5 ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक चार्ट में एंटर हुआ। नंबर 28। 2019 में सिद्धू ने अपने एक रिकॉर्ड एल्बम फॉर्म किया, जिसमें इन्होंने काफी सारे ट्रैक्स रिलीज किए, जिसमें सिद्धूस एंथम, माफिया स्टाइल, कोलैबोरेशन पॉइजन विद आर नेट, सोने लग दे एंड होमिसाइडे बूट कट बाय प्रेम ढिल्लों है। नंबर 29। बमिहा बोले सिद्धू का अमृत मान के साथ कोलैबोरेशन था, जो एप्पल म्यूजिक चार्ट पर इंडिया में 25 नंबर पर और कनाडा में 81 नंबर पर डेब्यू। इस म्यूजिक वीडियो को 24 आवर्स में 10 मिलियन बार देखा गया। नंबर 30। सिद्धू की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताएं तो सिद्धू ने अपनी मदर चरण कौर के लिए स्ट्रांगली कैंपेन किया, जो दिसंबर 2018 में सरपंच की इलेक्शन जीती। नंबर 31। पंडित राव धरिनावर ने सिद्धू की मदर के अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल की। धरिनावर ने मेंशन किया कि चरण कौर के बेटे ने प्रोवोकेटिव सॉन्ग गाया है, जिसके लिए सिद्धू की मदर ने उन्हें एक अपॉलोजी लेटर लिखकर भेजा और लिखा कि उनका बेटा फ्यूचर में अब ऐसे सॉन्ग नहीं गाएगा। नंबर 32। सिद्धू ने सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी की है। सिद्धू की पंजाबी सिनेमा में एक्टिंग डेब्यूट मूवी यस आई एम ए स्टूडेंट थी, जो इनके खुद की प्रोडक्शन कंपनी जट लाइफ स्टूडियो के प्रोडक्शन में बनी। इस मूवी के डायरेक्टर तरणवीर सिंह जगपाल थे, इसको गिल रोतना ने लिखा। नंबर 33। 2019 में सिद्धू तेरी मेरी जोड़ी में नजर आए। जून 2020 को इन्होंने एक और फिल्म गुना अनाउंस की। नंबर 34। सिद्धू ने 31st अगस्त 2020 में ऑफिशियली अपने एक रिकॉर्ड 5911 रिकॉर्ड से टाइटल लॉन्च किया। ये रिकॉर्ड पंजाबी ट्रैक्टर के लोगों के साथ है। नंबर 35। सिद्धू ने 2 स्टूडियो एल्बम्स, 41 सिंगल्स एज अ लीड आर्टिस्ट रिलीज किए हैं। सिद्धू के ऐसे 12 सॉन्ग्स हैं जिनमें बतौर गेस्ट आर्टिस्ट फीचर हुए। इसके अलावा इन्होंने 6 सॉन्ग लिखे हैं। नंबर 36। सिद्धू के राइट आर्म पर एक टैटू भी है। परमीश वर्मा और निंजा सिद्धू के अच्छे फ्रेंड्स हैं। सिद्धू के अप्रोक्सीमेटली 8 सॉन्ग्स ऐसे थे जो रिलीज होने से पहले ही लीक हो गए। नंबर 37। 2017 में सिद्धू ने जी वैगन और सो हाई सॉन्ग से काफी नेम और फेम कमाया। सो हाई सॉन्ग ने सिद्धू मूसेवाला को एक अलग ही पहचान दिलाई। ये सॉन्ग गोवा में हुए सनबर्न फेस्टिवल 2019 में प्ले किया गया था। नंबर 38। सिद्धू की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। उनके फैंस में से कुछ फैंस ने तो सिद्धू की टैटू भी बनवा रखी है। उनके एक फैन ने उनके पेरेंट्स को एक विंटेज कार भी गिफ्ट की थी। नंबर 39। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह भी सिद्धू मूसेवाला को एडमायर करते हैं। जब भी सिद्धू लाइव होते हैं, रणवीर कमेंट करते हुए जरूर नजर आते हैं। इतना ही नहीं, हनी सिंह भी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं। उन्होंने खुद वर्ल्ड म्यूजिक डे पर सिद्धू मूसेवाला का जस्ट लिसन सॉन्ग बजाते हुए बताया कि ये उनका फेवरेट सॉन्ग है। नंबर 40।
सिद्धू अपनी लाइव शो में दिल दानी मादा तेरा सिद्धू मुझसे वाले स्टाइल लाइन को यूज करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही सिद्धू अपनी लाइव शो के दौरान अपने पैर पर थप्पी मारते भी नजर आते हैं। नंबर 41, सिद्धू मूसेवाला को बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट एल्बम और सॉन्ग ऑफ द ईयरली का अवार्ड भी मिल चुका है। अवार्ड लेते हुए सिद्धू ने कहा कि वो सतिंदर सरताज की राइटिंग के बहुत बड़े फैन हैं। नंबर 42, सिद्धू अपनी लाइव शो के दौरान अपनी धमाकेदार एंट्री के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें ट्रैक्टर, टैंकर, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर पर भी एंट्री करते हुए देखा गया है। नंबर 43, सिद्धू जब सक्सेसफुल होने के बाद अपने विलेज मूसा गए तो वहाँ उनके फैंस ने जिस तरह से उनका स्वागत किया उसे तो शायद सिद्धू भी नहीं भूल सकते। इस बात को देखकर उनके विलेज में उनकी फेम का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। नंबर 44, सिद्धू के राइटिंग और सिंगिंग करियर में अगर हम देखें तो उनके सारे सॉन्ग्स हिट रहे हैं और कोई भी सॉन्ग फ्लॉप नहीं हुआ है। नंबर 45, सिद्धू के सारे सॉन्ग सिचुएशनल होते हैं। उनकी लाइफ में जो चल रहा होता है वो सब अपने सॉन्ग्स के जरिए सिद्धू बाहर ले आते हैं। सिद्धू कहते हैं, मैं कोई उम्दा कलाकार नहीं हूँ, मैं तो बस गाकर मेरी जिंदगी में जो चल रहा होता है उसे ही बतलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इट्स टाइम टू रैप द वीडियो हियर। अगर आप सभी को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप अगली फैक्ट वीडियो के सेलिब्रिटी के बारे में देखना चाहेंगे।